ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम बनाया था। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट माउस बटन, ठीक है, ये पार्ट हमने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं चीज़ को दिखाऊंगा कि चलो मैं बेसिक में जो भी काम किया और कैसे मैनेज करते हैं। दूसरी चीज़, मैंने पे बीच में लाइनें ड्रॉ की थी, ठीक है, इसको मुझे मैनेज करना है तो कंट्रोल यहाँ पे सिंपल शिफ्ट प्रेस करके तो स्मूथ करके मैं ब्लेंड करता हूँ। ये जो स्मूथ कैसे होते हैं भी ध्यान देने के, ये एक एक बड़े लेवल पे जाकर स्मूथ नहीं होता, मतलब जब ज़्यादा डिजाइन में देखो तो ज़्यादा स्मूथ नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देखो ज्योमेट्री में गए, ज्योमेट्री यहाँ पे डिवीजन से कम करके हल्का सा फिर स्मूथ करोगे तो काम दिखेगा क्या, कि आप कैसे मैनेज कर सकते हो अपने को। ठीक है, अब ये चीज़ थोड़ा सा हम लोग बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे हमने चीज़ को दिखाया, मेरे पास अभी ऐसा कुछ पार्ट है कि मैंने ऐसा कुछ ऐड ऑन किया। ठीक है, रेफरेंस को हम लोग थोड़ा सा निकालते हैं। जैसे मैंने रेफरेंस को दिखाया कि अगर मैं यहाँ पर चलो कोई काम कर भी रहा हूँ तो लाइक मेरी प्लानिंग क्या है, सबसे पहला पार्ट अगर मैं रेफरेंस को देखता हूँ तो रेफरेंस के बाद मैं चीज़ों को कैसे मैनेज करने वाला हूँ, हमारा काम थोड़ा सा और ईजी हो जाता है क्या। ठीक है, मेरे पास अगर देखो मेरे पास रेफरेंस, अगर मैं देख रहा हूँ रेफरेंस को मैं कैसे डील कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा मैं जैसे मैंने आपको कलर वाइज लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था कि भाई तो बस चीज़ों को हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कान वाला पार्ट है, ईयर वाला पार्ट को देखो कि ईयर वाला पार्ट आपको, ये पार्ट आपको ऐसे दिख रहा है और ये पार्ट ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये बेसिक से शेप पर आ जाता हूँ, फ्रंट में ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये और इस टाइप से ऐसे गया। ठीक है, अभी हर चीज़ हर मॉडल हमें एक में बनाने की नीड नहीं है। ठीक है, अब इसमें नहीं दिखा, अभी ये अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो आपका चीज ऐसे दिख रही है। ठीक है, ये पार्ट कैसे दिख रहा है, अभी यही पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो मैं पहले इतना एरिया है, ये एरिया समझना क्या, इतना एरिया में क्या दिख रहा है, इतना एरिया में मैंने फेस निकाला है, जीवस में हम लोग इतने, हमारे पास ज़्यादा हम लोगों ने नहीं लिया, हमारे पास ये एरिया को और बढ़ा सकते हैं बढ़ाना हो तो। ठीक है, लेकिन हम लोग चलो इतने में थोड़ा सा मैनेज करें कि मुझे अभी थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा है उसको, मैं इतने में थोड़ा सा वाइंड अप करने वाला हूँ। तो मैं कोशिश क्या करूँगा यहाँ पे ईयर बनाने के लिए, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ज्योमेट्री में क्या, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या, जैसे मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है, इंसर्ट पे क्या मैंने एक क्या किया स्पेयर लिया क्या। ठीक है, आप इंसर्ट करके स्पेयर ले सकते हो, स्पेयर लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मूव टू लो सेलेक्ट करना, मेक श्योर देखो इस पर नहीं, यहाँ पे लेयर पे आ जाना, लेयर पे सेलेक्ट करोगे तो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं तो ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, एक्स ऑफ करना है सिमेट्री, देखो यहाँ पे मैं इधर खींचू यहाँ पे तो ये इधर खींचेगा। देखो यहाँ पे अभी चलो मैं ऐसे ही मैं मैनेज करके देखूँ, खींच रहे हैं यहाँ पे, स्केल कर रहा हूँ, स्केल कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, एक साइड में मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा भाई चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे मेरा पार्ट ऐसा है। ठीक है, स्केलिंग का पार्ट मैंने दिया इतने पार्ट में। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मेरे जो मेरा फेवरेट टूल्स है उन टूल्स को ले लेता हूँ यहाँ पे, मूव पे गए। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक्स, देखो एक्स एक्स ऑफ किया, ध्यान रखना है, देखो एक्स मतलब यहाँ पे तो मैंने एक्स ऑफ कर दिया क्योंकि मैं एक पे काम करूँ मैं इसको डुप्लीकेट कर लूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बेसिक सा शेप मुझे यहाँ पे खींचना है, मैंने ऐसे खींच दिया। ठीक है, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे भी होना चाहिए। अभी देखो साइड पार्ट कैसे जा रहा है, मेरे पास यहाँ पे साइड में पीछे की तरफ जा रहा है ना, तो मैं इसमें पीछे की तरफ खींचूंगा। मैं चलो भाई ये काम तो हमने खींचा तो सही, पीछे की तरफ खींचना है। ठीक है, फ्रंट से ऐसे ही रहना है। ठीक है, ये पार्ट यहाँ पे मैंने साइड से क्या किया, साइड से मैंने कहा भाई काम को पीछे पीछे खींच देते हैं। ठीक है, इन पार्ट को मैं थोड़ा सा मैं ऐसे मैनेज करूँगा। टॉप पे गया, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है तो मैं इसे कटिंग कर दूंगा। अब मैं कटिंग कैसे कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे मेरे पास दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं उसको भी मैं मैनेज कर दूंगा। अभी फिलहाल मैं काम करते हैं, बाद में इसे कटिंग और सब कुछ जोड़ेंगे, ऐसे मैंने सेट कर दिया। ठीक है, अब ये पार्ट लिया मैंने यहाँ पे, इस पार्ट के साथ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे अंदर की तरफ लेके आना, तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल पे गया और मैंने यहाँ पे क्या किया, ब्रश साइज को, अब ड्रॉ साइज को छोटा करना है तो ड्रॉ साइज को आप ऐसे छोटा कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, आपने छोटा कर दिया अपने यहाँ पे, अभी इसको आप अंदर की तरफ क्या करोगे, स्कल्प पे जाओ, ये मूव टूल आगे क्या, अब देखो मैं यहाँ पे काम करूँ बस मूव टूल स्कल्प स्कल्प, देखो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने मूव टूल ले रखा है। ठीक है, कई बार ऐसे होता है कि आप जीवस में काम करते हो तो ये आप ब्रश चेंज करो तो हुआ यहाँ पे, ओके यहाँ पे स्टैंडर्ड लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, स्टैंडर्ड मेरे पास यहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, एस प्रेस कर दिया, स्टैंडर्ड ब्रश ले लिया। तो कभी अगर ऐसे कुछ दिक्कत हो ऐसा आप काम कर सकते हो क्या। ठीक है, अभी यहाँ पे स्विफ्ट प्रेस कर दिया तो देखो स्विफ्ट में गलती से स्टैंडर्ड चला गया। स्विफ्ट में क्या होता है, स्मूथ होता है, हमेशा स्मूथ होता है, अगर वो कहीं और चला गया तो बाकी जगह पे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्मूथ ढूंढते हैं, कहा है हमारा स्मूथ स्मूथ स्मूथ, ये स्मूथ। ठीक है, अभी यहाँ पे लिया तो अभी देखो ये बटन मेरे पास काम करेगा, समझना कि कभी ये काम क्यों नहीं करता। मैंने हल्का सा मूव टूल से ले रखा है यहाँ पे। ठीक है, और देन ये स्कल्पिंग में कर सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने नेगेटिव स्कल्प कर रहा हूँ। अभी आपको तो आइडिया मिल गया नेगेटिव स्कल्प कैसे करते हैं, कहाँ पे नेगेटिव करना है, कहाँ पे पॉजिटिव करना है, स्विफ्ट एंड यहाँ पे आप यहाँ पे बेसिक से आप इम्पैक्ट दे दोगे तो यहाँ पे काम हो जाएगा आपका। ठीक है, मैंने यहाँ पे दिया, यहाँ पे देखना ये पार्ट ऐसे, तो मैंने दोबारा इधर से ये ऐसे जॉइन करके दिखाया यहाँ पे। ठीक है, डिस्प्ले कर दिया तो यहाँ पे ये मैं मास्क में चला गया। ठीक है, मास्क देखना यहाँ पे, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक यहाँ पे ये आ गया, डब्ल्यू सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे,
कभी कुछ लक्षण ऐसा आता है, मैंने यहाँ पे सेट किया, इसको सेट करने के बाद मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो मुझे यहीं इतने में ही काम करना है। ज्वेलरी में कई बार मैं ना फ्लैट में ज़्यादा क्या काम करना पड़ जाता है। क्या फ्लैट का मतलब क्या है कि लाइक आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं देना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करके ऐसे भी काम कर देते हैं। मुझे ऐसे कुछ काम करना है तो मैं ऐसे भी कुछ काम करके दिखाता हूँ, ठीक है। अभी देखो ये पार्ट मुझे यहाँ से थोड़ा सा मुझे मैनेज करना है। यहाँ पे देखो मेरे पास एरिया स्पेस कम है, स्केल कर दिया मैंने, स्केल किया छोटा किया यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बैलेंस करूँगा, ऐसे बैलेंस में तो मैं थोड़ा सा बेटर दिखेगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम करना चाहता हूँ तो कर लूँगा फिर, ठीक है। तो एक बेसिक सा पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, भाई मुझे यहाँ पे काम करना है, मैंने मूव लिया यहाँ पे थोड़ा सा, इसको मैंने लंबा कर दिया। ये पार्ट इधर से लंबा कर देंगे, ठीक है। इधर से पार्ट के यहाँ पे ऐसे टॉप पे गए, ये पार्ट आपका थोड़ा सा पीछे होना चाहिए तो इसे पीछे करना, ठीक है। ये हल्का सा मैंने कर्व कर दिया यहाँ पे, तो ये पार्ट आपका यहाँ पे दिखेगा। अभी हल्का सा कोई स्मूथ नहीं है, कंट्रोल डी कर दो, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखो सिंपल सा पार्ट आपने यहाँ पे दिया, इस चीज़ को मैनेज करना, मैनेज कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये पार्ट साइड में गया और मैंने कहा ओके डू वन थिंग, यहाँ पे मूव टू लिया, ठीक है। मूव टू से मैं इसको थोड़ा सा इधर इधर पीछे पीछे मैं ऐसे मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। इधर पीछे मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैं यहाँ पे आ जाएगा तो मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ, ठीक है। अभी ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर, देखो ये पार्ट मैं यहाँ पे ऐसे करके दिखा दे मैंने, ठीक है। स्विफ्ट एंड स्मूथ ये पार्ट मैं बस यहाँ पे कर देते हैं। चलो हम लोग फिर इसको ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाते, ठीक है। अभी इतना मैंने कर दिया, ये पार्ट मैंने देखा है, मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, बेसिक शेप है, थोड़ा सा शेप को थोड़ा सा मॉडिफाई, थोड़ा सा लाइक बेसिक सा पार्ट हल्का सा कर्व, ये ठीक है मैनेज कर दिया। इसको मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे क्या होता है, एक तो डिलीट लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं डुप्लीकेट करूँगा तो डुप्लीकेट में वो लेगा नहीं। मेरे पास डिवीजन है ना, डिवीजन पे डुप्लीकेट नहीं लेता कई बार, ठीक है। डिलीट क्लियर कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। डिलीट आपने लोअर कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे आप क्या करो, सबसे पहले आप डुप्लीकेट करो, तो डुप्लीकेट करने के लिए आपका क्या होगा यहाँ पे डुप्लीकेट, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे क्या डिफॉर्मेशन पे गए, डिफॉर्मेशन पे जाने के बाद आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, मिरर, तो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अभी मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। अभी क्या हमने बेसिक शेप में मैंने इतना पार्ट मैंने निकाला क्या, अभी इन दोनों को मैं मर्ज करना चाहूँ मर्ज कर सकता हूँ। देखो दिखाता हूँ आपको, ज्योमेट्री में गए, आपको छोटे छोटे टूल भी आपको बता दूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट में बस यहाँ पे इसको मैंने क्या किया, ऊपर लेके गए, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मर्ज, ठीक है। दिख रहा है मर्ज, मर्ज डाउन का मतलब देखो, मेक्स मर्ज डाउन का मतलब ऊपर नीचे होना चाहिए, ऊपर है तो इसके नीचे होना चाहिए तभी मर्ज होगा, नहीं तो किसी और में मर्ज हो जाएगा, ठीक है। मर्ज डाउन पे गए, ओके कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये ओके मेरे पास यहाँ पे हो गया, ठीक है। देखो एक ही लेयर में आ गया, ठीक है। अभी आप एक्स ऑन करो, आप यहाँ पे काम करो तो दोनों में एक साथ काम होगा क्या, हो रहा है। दूसरी चीज स्विच टू फोटोशॉप, अभी देखो यहाँ पे मैं जो लेयर दिख रहे हैं, अभी मैं फर की बातें करता हूँ, फर में दिख रहे हैं यहाँ पे जो फर है साइज में, थोड़ा सा मैं इस वाले पार्ट में थोड़ा सा काम करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बेसिक का शेप लेता हूँ, बेसिक का शेप दिख रहा है, इसको मैंने ऐसा कुछ लिया यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ जा रहा है यहाँ पे शेप को, देखो ये शेप मेरे पास ऐसे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मोटे से थिकनेस यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे करके आप ले सकते हो, जिसको आप चाहो इस टाइप से दे सकते हो यहाँ पे। तो इन चीज़ों को तो समझना है क्या, कि मेरे पास ये शेप में कैसे जा रहा है, ये ऐसे लिया मैंने, इस टाइप से शेप मैंने ऐसे दिया, ठीक है, ये शेप में कैसे जा रहा है, तो ये शेप मैं ऐसे लेने वाला हूँ। तो अभी ये जो हम लोग स्कल्प करते हैं, ये स्कल्प करने के लिए मैं चीज़ों को ऐसे में मैनेज कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे करके मैं चीज़ों को बैलेंस कर सकता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे अभी फिर से मुझे एक नए पार्ट में काम करना है, ठीक है। अभी नए पार्ट में काम करना है तो मैं यहाँ पे मेन चीज़ देखो, कुछ वन ऑब्जेक्ट भी होता है और कुछ अलग अलग पार्ट भी होते हैं। फिर से यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या इंसर्ट किया, इंसर्ट में आके मैंने क्या किया, स्पेयर ले लिया, स्पेयर मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी देखो स्पेयर पे ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक आया नहीं आया, मेक श्योर क्रॉस चेक कर लेना, देखें यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये पार्ट आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। आप यहाँ पे गए मूव टूल, ठीक है भाई। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसी को मुझे यहाँ पे स्कल्प्ट करना है, ठीक है। एक्स ऑन करो आप, यहाँ पे काम कर रहे हैं यहाँ पे। अभी मैंने कहा भाई मुझे इस वाले पार्ट को इसके साथ ही डील करना है, तो कैसे डील करने वाला, मैंने कहा ओके डो वन थिंग। अभी भी अलग ऑब्जेक्ट है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने इसको कहा चलो यहाँ से मैंने सेट कर दिया, मेरे पास ये जो शेप है मैं बस यहाँ पे इतना पार्ट मैंने कौन सा लिया, कि मैं बस यहाँ पे फर और बाकी चीज़ कितने पार्ट में आ रहा है, ये इतना पार्ट मैंने लिया, यहाँ से इतने पार्ट में बस ये दिखनी चाहिए, ठीक है। अभी आप देखो थोड़ा सा मैं रेफरेंस को दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे यहाँ पे बस रेफरेंस अगर मैं ओपन कर लूँ, यहाँ पे राइट क्लिक कैन इसी डीसी पे गए, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं चीज़ों को कैसे दिखाने वाला, अभी मुझे यहाँ पे लगता है कि मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो पार्ट है मैं बस यहाँ पे ये पार्ट मुझे ऐसे दिखना चाहिए, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। ये देखो बेसिक स्ट्रक्चर आपका ऐसे दिख रहा है, ये पार्ट आपको यहाँ पे, ठीक है,
ये इतना पार्ट आपका खुला हुआ है कि आपको यहाँ पे आइडिया मिलेगा सर बेसिक शेप क्या है। ठीक है, बेसिक शेप में आप देखोगे तो आपका यहाँ पे क्या दिखेगा, ओके ये पार्ट मुझे ऐसे दिख रहा है, ठीक है, और ये पार्ट मैंने यहाँ से तो सेट किया। ठीक है, यहाँ पे सेट करने के बाद ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे पीछे से मैं थोड़ा सा हैवी करूँगा, मैं बस कान दिख रहे हैं, कान को हल्का सा मैंने इसके अंदर मैं कवर करूँगा यहाँ पे। ठीक है, अभी आपको आइडिया मिलेगा क्या। अब देखो यहाँ पे आप शेप्स को मैंने हाफ में कर देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया इस हाफ शेप को देख रहा हूँ, ये शेप में बस ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे कम हुआ, यहाँ पे ज़्यादा हो गया, यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर को मैं देखूँ यहाँ पे ये पार्ट में बस यहाँ पे ऐसे कुछ दिख रहा है। ठीक है, नीचे आते थे थोड़ा सा पतला ये पॉइंटेड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं बिग ब्रैकेट से आपका साइज छोटा बड़ा छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे तो मैंने ये कर दिया। ठीक है, इधर साइड में देखा, साइड में कैसे दिख रहा है, साइड में अगर आप यहाँ पे देखो साइड में कैसा है, ये पार्ट हमारे पास यहाँ पे दिख रहा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैंने मैनेज किया, देखा ये पार्ट मैंने इधर मैनेज किया, इधर से ये पार्ट को मैं थोड़ा सा खींचता हूँ, भाई ये पार्ट मेरे पास यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैंने सेट किया कि भाई मुझे यहाँ पे पार्ट चाहिए, और ये पार्ट मैंने यहाँ से नीचे से ध्यान दो ये नीचे की तरफ जा दिख रहे हैं यहाँ पे, ये पार्ट मैं नीचे की तरफ आएगा, और इसको मैंने यहाँ पे क्या किया पीछे की तरफ करके थोड़ा सा इधर मैं घींच देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे। अगर यहाँ पे देखो मैं साइड में गया, साइड में जाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, मैंने कहा मुझे यहाँ पे चीज़ें ऐसे कुछ मिली, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इस वाले पार्ट को ऐसे थोड़ा सा मैंने मैनेज किया। ठीक है, ईयर वाला पार्ट के बाद आपका यहाँ पे देखो ये पार्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इधर से थोड़ा सा पार्ट में आगे भी कर रहा हूँ, इधर से थोड़ा पार्ट में पीछे भी कर रहा हूँ, तो इतना फर है उसका। ठीक है, हम लोग इस वाले फर को थोड़ा सा अलग से अगर मैनेज करना चाहे तो मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, तो कैसे करेंगे वो आपका डेट वहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है आपके यहाँ पे, तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे थोड़ा सा मैंने मैनेज किया यहाँ पे, ओके, तो आपका पार्ट आपका थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे। साइड में गए, ओके, ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट है आपका इधर थोड़ा सा शिफ्ट किया, यहाँ से मुझे कवर अप करना है, जो आगे वाला पार्ट बना रखा है ना मैंने, इसको मैं थोड़ा सा कवर अप करना है कि भाई मेरे पास ये चीज़ कवर भी रहे, ताकि इसमें कोई दिक्कत ना है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अगर मैंने इतना बनाया तो इसमें मैं इस मॉडल को सिलेक्ट करता हूँ ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इस जो अनवांटेड मॉडल है इसको मैं थोड़ा सा इधर से सिंपल सा पार्ट अंदर मैनेज कर सकता हूँ ऐसे, सिर्फ इसी मॉडल की बात कर रहा हूँ, है ना, तो मेरे पास अलग अलग लेयर होने का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं चाहूँ मैंने यहाँ पे मास्क कर दिया, इतना पार्ट मैंने मास्क कर दिया, इतने मॉडल पे मेरे पास इंपैक्ट नहीं आएगा। अभी मैं जाऊँ तो यहाँ पे खींच के अंदर कर दूँ, यहाँ पे ये देखो खींच के मैंने कहा भाई तू अंदर चल, ठीक है तुम भी अंदर चलो, ये अंदर कर दिया मैंने, यहाँ पे देखो पॉसिबल है। ठीक है, तो काम कर सकते हैं एक बार। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा एक बेसिक सा शेप बना लिया, अभी हमने बेसिक सा शेप बनाने के बाद हमें यहाँ पे क्या काम करना है, देखो बेसिक शेप से हमारे पास यहाँ पे एक लुक एंड फील आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लुक एंड फील में कैसे क्या काम करना है, अब जब मैं स्कल्पी में काम करूँगा तो स्कल्पी में कैसे काम करने वाला हूँ। ठीक है, जैसे देखो क्ले बिल्डअप लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, अब क्ले बिल्डअप का यूज आने वाला है, तो क्ले बिल्डअप में यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं चीज़ों को हल्का हल्का स्कल्प करूँगा, जैसे यहाँ पे कंट्रोल डी कर दिया, सिलेक्शन में क्या है देखो यहाँ पे ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, ठीक है कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मैं धीमे धीमे शेप को थोड़ा सा ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ड्रॉ करने के लिए मैं इसमें करता हूँ तो मैं फर वाला काम तो इसमें कर नहीं सकता, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा इस वाले को मैं स्कल्पिंग के थ्रू थोड़ा सा डील करूँगा। मैं यहाँ पे शेप्स को मैं थोड़ा सा साइज को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शेप्स को मैं एक कर्व देखना कि मैं कर्व कैसे दे रहा हूँ। ठीक है, इसका थोड़ा सा एक आज मैं आपको आइडिया भी देता हूँ कि भाई कैसे क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे। देखो चैनल पे आओ, चैनल पे आपको मिलेगा यहाँ पे जैसे मैंने किया लाइन लाइन मैंने पे सर्च किया। ठीक है, लाइन स्कल्पिंग को देखना यहाँ पे, अभी यहाँ पे जाकर ऐसे मैं कुछ कर रहा तो मैंने कैसे दिया यहाँ पे देखना यहाँ पे, तो स्कल्प में यहाँ पे शेप्स को देखो एक अलग मॉडल का ये है, एक ही में करना है तो ऐसे में काम कर सकता हूँ यहाँ पे, तो मुझे इन शेप्स को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। तो मैं अगर यहाँ पे मैं कोई भी काम करता हूँ यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे क्या करना है चीज़ों को स्टार्टिंग से मुझे यहाँ पे जो स्टार्टिंग दिख रहा है यहाँ पे साइज आपका इधर से बड़ा इधर से छोटा यहाँ पे ऐसे करके आपको बेसिक से एक लुक एंड फील देना है कि भाई मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्प कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, निगेटिव सेल्फ करने के बाद यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे शेप दिखे यहाँ पे शेप्स को मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके मैं लुक एंड फील दूंगा क्या, ये देखो जस्ट काइंड ऑफ ये आपको एक जैसे होता है सांप जैसे लेटता है वैसे आपको थोड़ा सा हेयर का पार्ट आपको ऐसे देना है कि भाई मुझे ऐसे स्टेप से कुछ काम करके लाइक ऐसे थोड़ा सा पार्ट को मैं ऐसे मैं मैनेज करने वाला हूँ। ठीक है, तो एक बेसिक से आपको लुक एंड फील देने के लिए आपको यहाँ पे ये जस्ट कर्व आपको मैनेज करना है कि आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, देन धीमे धीमे वो चीज़ें आपको दिखना स्टार्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, तभी मैंने यहाँ पे क्या किया जस्ट बेसिक शेप को मैं एक ही करके यहाँ पे बीच से भी आपको यहाँ पे काम करने तो यहाँ पे ऐसी चीज़ों को आप मैनेज कर देना कि आप ऐसी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो तो कैसे क्या काम करोगे आप यहाँ पे। धीमे धीमे देखो आपको यहाँ पे एक लुक एंड फील दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, कि आप देखो यहाँ पे अच्छा ये मेरे शेप ऐसा है तो साइज को छोटा करके ड्रॉ साइज पे गए। ठीक है, ड्रॉ साइज को मैं छोटा करके देखें ये यहाँ पे छोटे हेयर रहते हैं यहाँ पे जैसे इस टाइप से मैंने काम कर दिया यहाँ पे, फिर इसके बाद थोड़ा सा हेयर थोड़ा सा इसमें ओके यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ को मैं मैनेज करने वाला तो मैंने यहाँ पे क्या किया इसको मैंने यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कटिंग भी करने वाला कटिंग कैसे करूँगा यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिया मैनेज करने के लिए यहाँ पे ठीक है कितने तक चाहिए मुझे यहाँ पे
ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट करके यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्लिप कर्व टूल, ठीक है। यहाँ पे गए, मुझे यहाँ पे कितने पे काम करना है, कंट्रोल शिफ्ट, देखो यहाँ तक ये पार्ट देखे, शेडिड वाला पार्ट देखना है, शेडिड पार्ट किधर है, यहाँ तक। तो मैंने यहाँ पे कट किया तो पीछे वाला पार्ट आपका बिल्कुल फ्लैट कट हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे मैं अगर काम करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं स्कल्प पे गया, यहाँ पे धीमे धीमे इन चीज़ों को मैंने मैनेज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्योंकि एक जो हेयर वाला पार्ट है ये पार्ट आपको ऐसे तो ऐसे इधर से आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो इस चीज़ को यहाँ पे मैनेज करके मैं देख सकता हूँ पे अभी मुझे कैसे क्या काम करना है। अभी चीज़ मुझे दिखेंगी यहाँ पे, ठीक है। मैं थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके यहाँ पे देख रहा हूँ भाई मुझे यहाँ पे कैसे क्या काम करना है। रेफरेंसेज मैंने थोड़ा सा फॉलो किए, थोड़ा सा चीज़ों को मैंने ऐसे भी दिखाया कि भाई मेरे पास ऐसे शेप्स यहाँ पे जा रहे हैं, तो आप कितना चीज़ों को आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। आप यहाँ पे आपको पेंडेंट बनाना है, पेंडेंट बना सकते हो, ठीक है। चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है, उस चीज़ों को हम लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, थोड़ा सा बेसिक शेप दिया, मैं इन चीज़ को थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ। साइज को देखना है, साइज देखो यहाँ पे ये पार्ट मैंने ऐसे, ये पार्ट मैं ऐसे, बस इसी शेप को आपको यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको देना है, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट देख सके, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा स्टेप से मैं मैनेज करके दे रहा हूँ, ठीक है। ये पार्ट है ऐसे, ठीक है, काइंड ऑफ कहीं कहीं पर आपको देखो छोटे छोटे आपको शेप्स को भी आप यहाँ पे मॉडिफाई करोगे जिस टाइप से चीज़ को मैनेज कर दो। अभी इसमें थोड़ा सा मैं और मॉडिफाई करके दिखाऊँ, यहाँ पे मैंने अभी देखो यहाँ से इतना पार्ट मैंने मोटा लिया, यहाँ पे मोटा लेने के बाद उसको मैं पतला कर रहा हूँ। अभी देखो ये मैंने कैसे बनाया, एक छोटा शेप आपको दिखाता हूँ, फिर से देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये देखो वन एंड टू दो शेप लिए मैंने, यहाँ पे थिक किया मैंने, यहाँ पे इसके मैंने इसको पतला, फिर मैं एक ही लेके जा रहा हूँ, समझो। अभी यहाँ पे मोटा हुआ तो ये टेक्निक होती है। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, वन एंड टू दो स्टेप लिए मैंने यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ पे एक साइड ले लिया, फिर इसको आप साइज छोटा भी कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे लिया इसको आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो, देख लें यहाँ पे। तो अभी आपको ऐसे ही मैनेज करना है, वन एंड टू इसको आपने कनेक्ट कर देना, दो ऊपर दो बना दो, यहाँ पे एक के साथ कनेक्ट कर दो आप यहाँ पे, तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, दिस वन एंड दिस वन, ये पार्ट आपका यहाँ से, ओके। देन यहाँ से मैंने ये पार्ट किया, अभी आपको थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स पता चला होगा, यहाँ पे दो पार्ट किया मैंने, यहाँ पे चीज़ों को मैंने ऐसे मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूंगा, तो आप ये थोड़ा सा बारीकी वाला काम आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा यहाँ पे, और आपकी प्रैक्टिस बहुत हो जाएगी, आपको बेसिक चीज़ों का आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे कैसे मैनेज करना होता है। मैंने पहले यहाँ पे बेसिक चीज़ बनाई तो मेरे को यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे मैं एक और टूल लेता हूँ, इसे बोलते हैं डैम स्टैंडर्ड टूल, डिप्रेस करना, यहाँ पे डैम स्टैंडर्ड टूल मिलेगा। अब इसको देखो बहुत बारीकी से लेके चलते हैं, देखो यहाँ पे देखें, अभी ये शेप्स मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंटेड कर दिया, तो हाईलाइट करने के लिए मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज करने वाला था, देखना भाई देखो पतली पतली लाइनें, वो थोड़ा सा और प्रोमिनेंट लगेगा, दूर से देखने में और बेटर दिखेगा। देखो मैंने यहाँ पे मैं कुछ चीज़ को मैं मॉडिफाई करता हूँ, मैंने ये डिफाइन कर दिया, ये पार्ट मेरे ऐसा आया, मैंने ये पार्ट मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, तो जो मैंने पहले स्कल्प किया है ना उसी को मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइटेड करके दिखा दूंगा। यहाँ पर लग रहा है कुछ अच्छा था, ये पार्ट मैंने यहाँ से शेप दिया, मैंने यहाँ से शेप को मैंने इधर से मॉडिफाई कर दिया यहाँ पे, अरे अभी देखो यहाँ पे मैंने, ठीक है, ये शेप को मैंने यहाँ पे मैंने मॉडिफाई कर दिया, यहाँ से कटिंग करके दिखाया मैंने, तो लेयर बना देने मुझे यहाँ पे, लेयर बनाने से मेरे पास चीज़ यहाँ पे और बेटर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे शेप्स को आप यहाँ पे मैनेज करने वाले हो, ठीक है, ये काइंड ऑफ ये देखो देखें शेप्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, शेप्स के साथ यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ, ओके, जस्ट काइंड ऑफ ऐसे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे शिफ्ट एंड स्मूथ, हल्का हल्का शिफ्ट एंड स्मूथ करोगे, हल्का हल्का 100% मत रखना इंटेंसली, हल्का हल्का करोगे तो ये थोड़ा सा आपका बैलेंस देखना है। यहाँ पे जो हमने क्ले, हम लोगों ने क्ले बिल्डअप यूज किया ना, ये तो रफ रफ रहता है क्या, हल्का से मैं स्मूथ में मैनेज करूंगा तो ये मेरे पास यहाँ पे काम ठीक हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने काम किया, यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट काइंड ऑफ ये यहाँ से इस पार्ट को मैंने ऐसे मैंने मैनेज कर दिया, दुकान में ओके, ये ऐसे कर दिया मैंने, यहाँ से चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज करके दिखा दूंगा आपके दुकान में, ओके। यहाँ से सिर्फ मैंने इधर किया, इधर से सिर्फ मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूंगा कि ये काइंड ऑफ ठीक है, यहाँ पर चीज़ों को मैं बैलेंस कर सकता हूँ यहाँ पर, ओके। ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, ये शेप को मैं इधर से मैं ऐसे मैं मैनेज कर दूंगा, आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे। ये देखा पे ये पार्ट मैंने यहाँ से किया, इधर से मैं जो मैंने बेसिक स्कल्प किया उसको मैं थोड़ा सा अभी लुक एंड फील दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई पार्ट ऐसे दिख रहा है, ये काइंड ऑफ ये इधर से मैंने मैनेज किया, इसी में एक आपको ईजी प्रोसेस भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। देखा पे अभी जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये काइंड ऑफ ये आपको ऐसे दिख रहा है, तो मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। थोड़ा सा लाइक टाइम टेकन है हेयर बनाना, लेकिन हाँ हेयर बनाने का आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर देते हैं। पे अभी देखो धीमे धीमे आपको एक लुक एंड फील दिख रहा है, देखें यहाँ पे आपने पहले क्या स्कल्प किया, अभी यहाँ पे चीज़ें कैसे दिख रही है आपको यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे बैलेंस कर दूँगा,
जिस स्कल्पिंग के साथ यहाँ पे थोड़ा डील करना है, देखो यहाँ पे ये ऐसे करके आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो, कहीं कहीं पे स्कल्प नहीं किया आप यहाँ पे थोड़ा सा स्कल्प कर लो यहाँ पे, ठीक है, जस्ट काइंड ऑफ ऐसे स्कल्प कर लो आप यहाँ पे, ठीक है, थिकनेस दो और देन ऐसे स्कल्प कर दो, तो आपको मैनुअल आपको वर्क आ जाएगा कि आप मैनुअल पे कैसे काम कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, इधर से कनेक्टिविटी कैसे जा रही है, जस्ट काइंड ऑफ ये देखा, तो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे कैसे लिया, शुरू को मैं कैसे यहाँ पे फुलफिल किया यहाँ पे, ठीक है, ये जो पार्ट है मेरे पास ऐसे देख रहे हैं, तो इधर से मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करके कर दूंगा, ठीक है। तो ये पार्ट में यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डायम स्टैंडर्ड टूल है, डायम स्टैंडर्ड टूल से यहाँ पे काम होगा, ठीक है, ये पार्ट आपको यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना होगा कि भाई मैं ऐसे क्या काम कर सकता हूँ, ठीक है, पॉसिबल है ये पार्ट। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे ऐसे करके मैं मैनेज कनेक्टिविटी दे रहा हूँ, यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा कुछ ना लगे कि मेरे पास हमें कोई चीज़ छूट गया यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे देखो आप यहाँ पे धीमी धीमी अगर मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे बेसिक सेप देखें यहाँ पे, अभी आप यहाँ पे देखो तो आपको एक आइडिया मिल गया, बी पी आर रेंडर करो तो आप यहाँ पे देखिएगा भाई सेप मेरे पास कैसा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, देखें यहाँ पे, तो अभी सब ऑब्जेक्ट एक ही जैसे लगेंगे यहाँ पे, एक ही कलर लग रहा है, मैं चीज़ों को ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ भाई, मुझे अगर ऐसा कुछ दिखाना है तो, ठीक है, स्कल्पिंग और बाकी चीज़ का आइडिया मिला कैसे क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चैनल पे जाना, लोका टाइप करना, लोका में यहाँ पे जो हेयर बनाना है यहाँ पे इस पर जाना आप यहाँ पे, इसके अंदर मैंने एक फाइल अटैच कर रखा है यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में जाओगे आप यहाँ पे, यहाँ देखो एक फाइल लिख रहा है यहाँ पे, इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अभी फाइल को डाउनलोड करोगे तो क्या मिलेगा, ये जीवस के कुछ आपको वो मिलेंगे क्या, इसको डाउनलोड करो आप यहाँ पे, ठीक है, ये कर दिया मैंने यहाँ पे सिंपल द पार्ट सो इन फोल्डर, ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, राइट क्लिक एंड यहाँ पे सिंपल द पार्ट मैंने कट करके अपने जो भी मैं यहाँ पे मैं स्कल्प कर रहा था यहाँ पे, ठीक है, मैं वहाँ पे चलता हूँ क्या, ओके, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैं गया इधर, ठीक है, जीवस वन यहाँ पे आपका एक दूसरा चाहिए, ठीक है, ये भी आपका कहाँ गया, अरे इधर अभी क्या बताऊँ, जो बैचेज होते हैं ना तो बैचेज इतने बढ़ जाते हैं तो मुझे यहाँ पे नहीं आ जाता यहाँ पे, मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्स्ट्रा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, और देन यहाँ पे ये हेयर वाला पार्ट है क्या, आपने क्लिक किया देखो यहाँ पे हेयर आ गया, अभी यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ करके देखो आपसे यहाँ पे कुछ अच्छा काम होता है कि नहीं होता देखो आपको, ठीक है, डिवीजन देना कंट्रोल डी, एक दो डिवीजन देना यहाँ पे, अभी आप देखो हेयर की डिटेलिंग आ रही है यहाँ पे, उसी हाँ क्लिक करना है, हाँ उस पर जब क्लिक करना है वो आ जाएगा, देखो आप यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका स्ट्रेंथ है, देखो ये जो पार्ट दिख रहा है आपका यहाँ पे, जैसा आपने सेप बना रखा है उसके ऊपर आप यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे तो माइक्रो डिटेल बोलते हैं इसे क्या, ठीक है, तो ये माइक्रो डिटेल आपको अल्फा से आता है, तो आपको अभी कुछ नहीं करना, फिलहाल में आपको ऐसे यूज करना है, आप यहाँ पे करोगे तो देन आपको चीजें आपके पास आ जाए यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, कि कैसे आपको क्या काम करना है, देखो यहाँ पे माइक्रो डिटेल दिख रहे हैं, हाँ, तो हेयर जैसा लुक क्यों आ रहा है, क्योंकि पहले हमने बेसिक दिया है, बेसिक देने के बाद हम लोग चीजों को मैनेज करेंगे। अभी ये पार्ट मैंने, ये हमारा होता है अल्फा बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, अल्फा, ब्रश अल्फा है, तो ब्रश अल्फा के साथ आप यहाँ पे चीज़ों को दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, चीज़ों का आप यहाँ पे मैनेज करोगे, देखा देखें यहाँ पे, तो ये चीज़ कब आती है, जब आप इन चीज़ों को दोस्तों यूज करोगे तो आएगी क्या, ठीक है, ये आप कनेक्टिविटी दोगे, देखो यहाँ पे अभी क्या, यहाँ पे मैंने दिया यहाँ पे, ये स्कल्पिंग का पार्ट था, अभी क्या है, अभी अल्फा का पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं चीज़ों को ऐसे देख सकता हूँ, देखें यहाँ पे ये काइंड ऑफ ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से मैंने दिया यहाँ पे, तो बेसिक आप काम करो तभी इम्पैक्ट आएगा, नहीं तो इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो पहला बेसिक वाला पार्ट आपको कवर कर लेना है क्या, जो बेसिक करोगे उसके बाद आप चीज़ें यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो आप ऐसे करके थोड़ा सा देखो आप यहाँ पे कि भाई सेफ मेरे पास कैसा है, किस टाइप का है, तो जस्ट काइंड ऑफ मैं थोड़ा सा इधर से हेयर एकदम इतने बड़े नहीं होंगे कि एकदम कनेक्टेड नहीं होगा, तो थोड़ा सा छोड़ छोड़ के काम करना है यहाँ पे, ठीक है, इसका भी यूज़ करने का तरीका आपको ध्यान देना है, जैसे ये पार्ट दिया यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट मैंने आपको यहाँ पे किया, ठीक है, अभी यहाँ से ये काइंड ऑफ, ठीक है, ओके, यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दूंगा यहाँ पे, ये सिंपल सा पार्ट, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो यहाँ पे, तो ड्रॉ करने का भी आपका तरीका होना चाहिए, ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने जैसे तैसे ड्रॉ कर दिया, आप मेथड को तो देखोगे समझोगे तो आपको लगेगा कि ओके दिस इज़ गुड, यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं दे सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने दोस्तों ऐसे मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये काइंड ऑफ इधर से इधर यहाँ पे गए, कहीं कुछ छूटे नहीं तो फिर वो और लगेगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो आप यहाँ पे, तो देखो अभी काम करने का तरीका आपको आइडिया मिल गया भाई, आप यहाँ पे काम करने वाला तो कैसे करने वाला आप यहाँ पे चीज़ों को कैसे फुलफिल करने वाला आप यहाँ पे, ठीक है,
तो एक बार मैंने थोड़ा सा टचअप दिया यहाँ पे कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं इस टाइप से भी थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज कर सकता था। तो रियलिस्टिक काम करने के लिए और भी कई तरीके हैं, ये तो जस्ट एक बेसिक सा पार्ट था कि मैंने आपको दिखाया कि भाई मैं अगर यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मैं बस ये इस टाइप से भी चीज़ें दिखेंगी आप, ठीक है। कहीं पर मैं लाइट कर रहा हूँ, कहीं पर डार्क कर रहा हूँ, कहीं पर हैवी कर रहा हूँ, तो ये चीज़ आपको दिखेंगी, ठीक है। तो ये पार्ट आपका ऐसे भी नज़र आने वाला है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तब चीज़ों को देखो, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे अभी आपका ठीक है लुक एंड फील आ रहा है। यहाँ से कनेक्टेड करना मत बोलना, क्या देखो ये इसके अंदर कनेक्टेड करना मत बोलना, नहीं तो वो थोड़ा सा ऑड लगे यहाँ पे, ठीक है। ये कॉर्नर कॉर्नर आपका थोड़ा सा मैनेज मेंटेन रहेगा, देखो अभी देखो लुक एंड फील और आपका बेटर हो जाएगा। कहीं कहीं पर अगर लगे लाइट यहाँ पर छूट गया तो हल्का सा टचअप दे देना पे, ठीक है। ओके ऐसे करके दे दोगे तो देन आपका यहाँ पे काम आसान हो जाएगा। उसमें दो तीन अल्फा ब्रशेज हैं, आप वहाँ पे थोड़ा सा यूज़ करोगे तो आपका काम और इजी हो जाना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट आपको यहाँ पे दिया मैंने, यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, देखो अभी यहाँ पे चीज़ देखें यहाँ पे जो भी पार्ट है यहाँ पे इन चीज़ों को छोड़ना नहीं, ठीक है। ये जो पार्ट देखें कहीं पर छूट गया तो फिर ऑड फील होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यही पार्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यूज दिस काइंड ऑफ यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे करके मैं मैनेज करूँगा तो अभी चीज़ें और बेटर भी दिखेंगी। यहाँ पे देखो पतले पतले लाइनें मैंने थोड़ा सा जानबूझ के हाईलाइट कर दिया मैंने यहाँ पे, ताकि चीज़ें बैलेंस हो सके, ठीक है। अभी देखो बहुत सी चीज़ें, लेकिन हाँ एक बेसिक सा मैंने लुक एंड फील दिया। अभी हम लोग यहाँ पे ऐसे कुछ काम कर दिया और देन मैंने पे रेंडर कर दिया, तो मेरा एक बेसिक सा आउटपुट दिखेगा कि ठीक है मैंने पे काम किया, चीज़ों को मैनेज किया यहाँ पे, और ऐसे चीज़ों को हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मेरे पास ईयर है ना, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे कर दिया, इसको मैं अंदर भी लेके जा सकता हूँ, हल्का सा अंदर ले लूँ, ठीक है यहाँ पे। अगर मैं इसे अंदर लेके आऊँगा ना, हल्का सा अंदर लिया मैंने यहाँ पे, तो लाइक वो चीज़ और भी कवर हो जाएंगे, ठीक है यहाँ पे। ये मैंने काम किया, ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने अंदर लेने का, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने इसे अंदर लिया, ठीक है, हल्का सा मैं अंदर की तरफ मैं लेके जाता हूँ, अंदर कितना यहाँ तक मैंने किया। अभी यहाँ से अंदर लेने का, तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, इस वाले पार्ट को, मॉडल वाले पार्ट को सिलेक्ट करते हैं, ऑल्ट और डब्ल्यू यहाँ पे, ठीक है। मास्किंग यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे, अभी इतने वाले पार्ट को मुझे यहाँ पे क्या करना है, या तो मैं इसे स्कल्प कर दूँ क्ले बिल्डअप से, ठीक है, कैसे करना है, निगेटिव स्कल्प कर दो आप यहाँ पे, तो अंदर चला जाएगा आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये पार्ट आपका दिख गया, ठीक है, डिसलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक डिसलेक्ट किया यहाँ पे, ये देखो ये पार्ट कहाँ का है, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक ये पार्ट दिखा यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, हल्का फुल्का जो मैंने यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा कवरअप करना है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इधर से ऐसे ऐसे हल्का सा कवरअप करके ये पार्ट मैंने दिखाया, मेरे पास यहाँ पे ऐसा कुछ पार्ट दिखा यहाँ पे, ठीक है, देखा मैंने ऐसा कुछ। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा देता हूँ डिसलेक्ट ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे देखना ये स्विफ्ट एंड स्मूथ ये, ठीक है, हल्का सा पार्ट आपने यहाँ पे। काम करने के लिए चीज़ें बहुत है क्या, लेकिन ठीक है फिलहाल में इतना बेसिक है, हम ठीक कर देते हैं यहाँ पे। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे गए, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप जाओ डबल क्लिक करो यहाँ पे, ठीक है, फोर पे गए आप यहाँ पे देखें यहाँ पे, अभी इस पे दो सा आप यहाँ पे स्कल्प कर दे, तो ये क्या लगेगा, ये के ऊपर भी आपका यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट ऐसा लगेगा कि भाई मेरे पास यहाँ पे भी काम है, तो यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फोकस किया मैंने यहाँ पे स्विफ्ट यहाँ पे, अभी आप ऐसे करके मैंने अभी ऐसे करके देना चाहो ऐसे करके दे दो, लुक एंड फील आपको दिखेगा यहाँ पे, या स्टेप आप देना चाहो, आप बी पे रेंडर कर दोगे तो आपको एक आउटपुट दिख जाएगा, ठीक है। आप प्रॉपर एक रेंडर करने वाले, तो रेंडर में चीज़ आपको दिखेंगी कि कैसे आप क्या काम कर सकते हो। तो कई टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू हम लोग चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ और आपको रेंडर सेव करने का प्रोसेस भी बता देता हूँ यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या रेंडर रेंडर पे क्या रेंडर आपका यहाँ पे क्या रेंडर बुलीन है, रेंडर पासेज है, बी पी आर रेंडर, ठीक है, इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, आप यहाँ पे जाओ डेस्कटॉप पे, ठीक है, एल आई ओ एन लर्न आर ई एन डी ई आर, ये मैंने ऐसे सेव कर दिया, ठीक है। विंडो डी करके एक बार क्रॉस चेक करो मेरे पास यहाँ पे लर्न रेंडर आया कि नहीं आया यहाँ पे, तो ये देखो आपका रेंडर आपको मिल जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके रेंडर भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये रेंडर फाइल सेव करने का प्रोसेस यहाँ पे, फाइल को जाकर यहाँ से सेव करना, क्या फाइल पे गए सेव किया यहाँ पे, इसमें लॉक है तो सब सेव हो जाएगा, हाँ इसमें सब कुछ सेव हो जाएगा, तभी मैं बताऊँ फाइल को यहाँ से सेव करना तो जाके आपको चीज़ें आने वाली, नहीं तो आपकी वो चीज़ें वो नहीं आने वाली, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे गए, ठीक है, मैंने यहाँ पे बाहर निकला, ठीक है, और देन यहाँ पे मैंने क्या किया, एड्रेस को कॉपी कर दिया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे फाइल को सेव कर दिया, तो सब कुछ सेव हो जाएगा, अल्फा अल्फा सब कुछ सेव हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हमने तीन पार्ट में चीज़ों को कवर कर दिया, ये पार्ट आपका यहाँ पर जाएगा। तो ऐसे हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, चीज़ें बहुत सी हैं, लेकिन आप एक बेसिक लुक एंड फील देने के लिए हमारा ये काम कर जाएगा आपका।